लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इन्होंने लोगों की सेवा करनी थी, लोगों की जानें बचानी थी, वो छोड़ के अपने पिताजी का नाम देने के लिए घूम रहे थे, ये भी तो षड्यंत्र है। और राजा ही ऐसे लड़ने की इच्छा रखता है तब जनता को तो लड़ना ही पड़ेगा। ये ठाकरे सरकार में जनता को यही अपेक्षा है। ये लाठियां चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे। दीपा पाटिल साहब के एयरपोर्ट को नाम लगने के लिए, अपनी जान नोछावर करने के लिए भी तैयार है। इस वक्त हमारे साथ उरन विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश बाल्दी साहब हैं, जो जो प्रकल्पग्रस्त कृति समन्वय समिति है उसके कोर मेंबर भी हैं। सर, जिस तरह से राज्य सरकार ने खुले तौर पर, खासकर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए यह साफ कह दिया है बैठक में कि बाला साहब ठाकरे का ही नाम रहेगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप कोर कमेटी के मेंबर हैं और तमाम प्रकल्पग्रस्त हैं जो उनकी भावनाओं को नज़दीक से समझ रहे हैं। ऐसा कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पार करना, ये न समझते वो एक अपने बाप का नाम देने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये कोई बराबर नहीं है। राज्य के मुखिया ने राज्य को कैसे चलाना चाहिए, उसने सबकी भावनाओं को कदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये सामान्य जनता की अपेक्षा है। मुझे लगता है कि ये अब नहीं है तो नहीं है, एक दूसरे का एकाध का स्वभाव नहीं है तो हम क्या करें, हम संघर्ष करेंगे। जो चीज़ मांग के नहीं मिल रही है, जब अगर राजा ही ऐसे लड़ने की इच्छा रखता है तब जनता को तो लड़ना ही पड़ेगा, और हम जोरों से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और नाम लेके आएंगे। एक जो विकल्प दिखाया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वही नई मुंबई में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा आपको लगता है? ये लॉजिकल है और कहीं ना कहीं इसको एक तरह का एक साजिश है कि इसके नाम के जरिए इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश चल रही? ऐसा कहीं नहीं हुआ, दो एयरपोर्ट को एक नाम नहीं होते, एक एयरपोर्ट को एक नाम होता है, एक नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का मुंबई में है, ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कई जगह दुनिया में, एक एक शहर में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में 5-5, 6-6 एयरपोर्ट है, किसी एक नाम से सभी एयरपोर्ट नहीं होते, हर नाम का अलग होता है, हर नाम का अपना अगला अस्तित्व होता है, अलग से व्यवस्थापन होता है, तो इसके लिए वो नाम यहाँ नहीं होगा। आपको लगता है सर सिडको ने बड़ी चूक की जब ये प्रस्ताव के लिए तमाम मांग आ चुकी थी कि दीपा पाटिल साहब का नाम लिया जाए 2004, 2008, 2015, 16 और 2018 लगातार इतनी डिमांड के बावजूद, संसद और विधानसभा में मुद्दा उठने के बावजूद भी अगर इस तरह से एकांगी प्रस्ताव बनाया गया है तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह की राजनीति है बड़ी, और जो राजनीति का सूत्रधार जो है वो एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री है? बिल्कुल सही है, उन्होंने ही, यूडी ने, अर्बन डेवलपमेंट ने प्रस्ताव भेजने को बोला सिडको को, और सिडको ने ये प्रस्ताव भेजा है और वहीं से ये आग शुरू हुई है। और कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी चिंता है, इसके लिए आज मैं जहां नाम दे दूं वो दे दूं, इसके लिए इनको स्पर्धा लगी है। नहीं तो 15 अप्रैल को पूरे देश में सबसे पीक पे कोरोना रहते वक्त सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में मरे, सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में, और तब इनको नाम देने की कैसे सोच सकती है, जब इन्होंने लोगों की सेवा करनी थी, लोगों की जानें बचानी थी, वो छोड़ के अपने पिताजी का नाम देने के लिए घूम रहे थे, ये भी तो षड्यंत्र है, और उसी एक्शन का रिएक्शन है 24 तारीख का आंदोलन। सर, जिस तरह की पुलिस, आखिरी सवाल सर, जिस तरह से पुलिस ने एक तरह से चेतावनी दी है कि अगर सड़क पे उतरेंगे प्रकल्पग्रस्त तो हम प्रतिकार करेंगे उसका और किसी भी तरह की हम ढिलाई नहीं बरतेंगे, आप इसे, इस चेतावनी को किस तरह से देख रहे हैं? ये ठाकरे सरकार में जनता को यही अपेक्षा है, ये लाठियां चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, आश्रुदूर चलाएंगे, प्रकल्पग्रस्त के भावनाओं को कुचलने का काम करना है, और आज अपघात से आई हुई सत्ता है उसका कैसे दुरुपयोग कर किया जा सकता है, उसका एक और उदाहरण इनके ये 24 तारीख को मिसाल पेश करेंगे। लोग लाठियां खाएंगे, गोलियां खाएंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अपने हृदयस्थ रहे दीपा पाटिल साहब के एयरपोर्ट को नाम लगने के लिए, अपनी जान नोछावर करने के लिए भी तैयार है, ये भी सरकार देख ले एक बार। जैसा कि आपने देखा कि अब दीपा पाटिल साहब के नाम के लिए जो प्रकल्पग्रस्त हैं वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, जाहिर सी बात है कि एक तरह से अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है, और ये पहचान की लड़ाई अगर सरकार गंभीरता से समझती है और सकारात्मक निर्णय लेती है तो शायद इस आंदोलन को रोका जा सकता है उन्हें न्याय देकर। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।
जाएगा।